अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप ऑन ट्रिक्स विद मी। टुडे आई विल स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्केल। इसका जो पार्ट 2 है वो आज हम करेंगे। पार्ट 1 जो है वो लास्ट लेक्चर में कर दिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। क्वेश्चन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्केयर का फर्स्ट स्टेप में हम करते ये हैं कि एक्स स्केयर के साथ जो भी कॉन्स्टेंट है उसको हमने रिमूव करना होता है। हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a। हमने इसको पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड किया तो हमारे पास रह गया एक्स स्केयर प्लस 4 ओवर ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। सेकेंड स्टेप हमने करना होता है कि यहाँ जो भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट होता है उसको हमने राइट साइड पर, इक्वेशन के राइट साइड पर ले जाना होता है। यहाँ पे हमारे पास है माइनस 1, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1। हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। देन हमने करना है ये है कि जो भी एक्स के साथ कोफिशेंट है इसको हमने 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जो आंसर हमारे पास आएगा उस वही हमने दोनों साइड पर उसका स्केयर ऐड कर देना। मल्टीप्लाइंग करेंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स विद 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 को 4 ओवर ए से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 2 ओवर ए। 2 ओवर ए को हमने इधर भी इसका स्केयर जो है इधर भी प्लस कर दिया और इसका स्केयर जो है वो इधर भी प्लस कर दिया। ये हमारे पास एक कंप्लीट स्केयर बन गया, एक्स स्केयर प्लस 2 ओवर ए का होल स्केयर। ये हमारे पास है 1 प्लस 2 स्केयर 4 ओवर ए स्केयर। नेक्स्ट हमने ये स्केयर जो है ये रिमूव करना तो हम बोथ साइड पे स्केयर रूट ले लेंगे। ये हमने टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्केयर जो है स्केयर रूट से कट जाएगा, ये 1 प्लस 4 ओवर ए स्केयर का स्केयर रूट वैसे ही रहेगा। एक्स प्लस 2 ओवर ए इज इक्वल टू, जब ये स्केयर रूट हम लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस आ जाता है। ए स्केयर प्लस 4 ओवर ए स्केयर स्केयर रूट है, एक्स इज इक्वल टू ये 2 ओवर ए इधर प्लस हो रहा तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया माइनस 2 ओवर ए प्लस माइनस ए स्केयर प्लस 4 स्केयर रूट ओवर ए। हमने हमारे पास इसका एलसीएम लिया है तो ए हमारे पास आ गया माइनस 2 प्लस माइनस ए स्केयर प्लस 4 स्केयर रूट। सोल्यूशन सेट हमारे पास ये आ गया, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट 3, 11x² माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें भी वही हम करेंगे, सबसे पहले हम एक्स स्केयर के साथ जो भी है कॉन्स्टेंट उसको हमने रिमूव करना। हम पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देंगे। हमने 11 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। देन हमने क्या करना है कि ये जो कॉन्स्टेंट है उसको हमने राइट साइड पर उठा के लाना। ये 3 ओवर 11 प्लस का तो दूसरी साइड पर आके ये माइनस का हो जाएगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि ये जो एक्स के साथ कोफिशेंट इसको हमने 1 ओवर 2 से डिवाइड करवा देना। जब हम इसको 1 ओवर 2 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17 ओवर 11। इससे 17 ओवर 11 का हमने इस साइड पे भी स्केयर ऐड कर देना और इस साइड पे भी स्केयर ऐड कर देना। ये हमारे पास कंप्लीट स्केयर बन गया। एक्स माइनस यहाँ पे क्योंकि हमारे पास माइनस है तो ये हमारे पास माइनस में आएगा। एक्स माइनस 17 ओवर 11 का होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 11 प्लस, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे 17 का स्केयर क्या स्केयर क्या होता है 289, 11 का स्केयर होता है 121। नेक्स्ट हम इसका क्या लेंगे एलसीएम, 121 और 11 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम में आंसर आएगा 121। 11 11 ज़ार 121 तो 3 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 33 आ जाएगा। ये 121 आता है तो ये 289 वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इसका क्या करना स्केयर ख़त्म करना तो हम बोथ साइड पे स्केयर रूट ले लेंगे। ये स्केयर रूट से ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे पास 256 ओवर 121 स्केयर में आ गया। 256 जो है वो 16 का स्केयर होता है तो ये हमने 16 का स्केयर ओवर 11 का स्केयर कर लिया तो इसका भी स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। अब ये जो है हमारे पास एक्स के साथ माइनस 17 ओवर 11, ये इधर प्लस का और माइनस का हो रहा तो दूसरी साइड पे आके ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये हमारे पास प्लस का हुआ, हमने इसका एलसीएम लिया है, एक दफ़ा ये प्लस और ये माइनस है तो एक दफ़ा हमने इसको प्लस में ले लेना, दूसरी दफ़ा इसको माइनस में ले लेना। अब ये हमारा 11 हमारा एलसीएम आ गया है, 17 प्लस 16, इधर भी हमारा 11 एलसीएम आ गया है तो ये 17 माइनस 16, ये 1 ओवर 11 आ गया और ये क्या 33 ओवर 11। 11 1 ज़ार 11 11 3 ज़ार 33, हमारा एक आया है आंसर 3 और एक आंसर आया है 1 ओवर 11। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 हमारे पास है एल एक्स स्केयर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो हमने सबसे पहले क्या करना, एक्स स्केयर के साथ हमारे पास कांस्टेंट क्या एल है तो हमने पूरी इक्वेशन को एल से डिवाइड करवा देना। डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्केयर प्लस एम ओवर एल एक्स प्लस एन ओवर एल इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 1। देन हमने क्या करना है, इस कांस्टेंट को उठा के हमने राइट साइड पे लेके आना, ये इधर प्लस है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
मरपस ये इस साइड पे आ गया। अब हमने एक्स के साथ जो भी कोफिशेंट उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देना। 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आया m/2l। अब m/2l का स्केयर हमने इस साइड पे भी ऐड कर देना और दूसरी साइड पे भी ऐड कर देना, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट स्केयर बन गया। एक्स प्लस m/2l का स्केयर इज इक्वल टू माइनस n/l m का स्केयर, m स्केयर 2l का स्केयर क्या आ जाएगा 4l स्केयर। नेक्स्ट हमने इनका ले लिया एलसीएम, एल और 4l स्केयर का एलसीएम क्या आया 4l स्केयर। एल को हम 4l से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4l स्केयर आता, तो 4l को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 4nl आ गया। प्लस ये हमारे पास 4l स्केयर 1 और 4l स्केयर होता तो इस m स्केयर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास m स्केयर आ जाएगा। देन हमने ये स्केयर ख़त्म करना, तो हम बोथ साइड पे क्या ले लेंगे स्केयर रूट। ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हमारे पास आ गया m स्केयर माइनस 4nl ओवर 4l स्केयर। नेक्स्ट हमारे पास है x प्लस m/2l इज इक्वल टू, ये आपको पता है कि ये स्केयर रूट जो होता है इसके साथ हमारे पास क्या आ जाता है प्लस माइनस आ जाता है। तो हमारे पास ये 4l का स्केयर हम लिख सकते हैं 2l का स्केयर का 2l का होल स्केयर, तो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो है इधर प्लस है तो इस साइड पर हम लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस m/2l प्लस माइनस m स्केयर माइनस 4nl स्केयर रूट ओवर 2l। इसका हम एलसीएम लेंगे 2l, ये भी 2l है तो इसका एलसीएम भी हमारे पास 2l ही आएगा, ठीक है। तो ये वैसे ही ऊपर वाली चीज़ें भी वैसे ही आ जाएंगी। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो गया माइनस m प्लस माइनस m स्केयर माइनस 4nl स्केयर रूट ओवर 2l। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, 3x स्केयर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास जो है कांस्टेंट कोई चीज़ भी नहीं है, कांस्टेंट में कुछ भी नहीं है। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या है x स्केयर के साथ जो उसको हम रिमूव कर देंगे, तो उसको हमने पूरी इक्वेशन से डिवाइड करवा दिया, हमारे पास आ गया x स्केयर प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन 1 का इसे नाम दे दिया। नेक्स्ट हमने जो कि हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं, तो पहले हमारे पास होता था तो हम उसको राइट साइड पे लेके आते थे, अब हमारे पास कांस्टेंट नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होता था, x के साथ जो भी कोफिशेंट होता तो उसको हम 1/2 से डिवाइड करवा देते थे। 7/3x को हम 1/2 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7/6। तो इसका हम जो स्केयर है वो दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। जब हमने इधर ऐड किया तो ये हमारे पास कंप्लीट स्केयर बन गया। तो इसको हम लिख लेंगे x प्लस 7/6 का होल स्केयर इज इक्वल टू, ये 7 का स्केयर क्या हो जाएगा 49, 6 का स्केयर 36। अब हमने स्केयर ख़त्म करना तो हम बोथ साइड पे स्केयर रूट ले लेंगे, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इधर हम स्केयर रूट लेंगे, ये 49 का स्केयर रूट क्या होगा 7 और 36 का क्या होगा 6, सब प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि ये हमारे पास स्केयर रूट था। ये 7/6 इधर प्लस का हो रहा है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, एक दफ़ा हमने इसको प्लस में कर लिया, दूसरी दफ़ा हमने इसको माइनस में कर लिया। हमने इसका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास ये प्लस माइनस, ये माइनस 7/6 है, ये प्लस 7/6 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर हम लेंगे एलसीएम, 6 हमारे पास एलसीएम आ गया, 6 वन ज़र 6 को माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 7, इधर भी ये भी वही चीज़ है, 6 वन ज़र 6 माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 7, माइनस 7 माइनस 7 सात सात तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस सात सात 14, और सात अलामत कौन से लगाते हैं बड़ी वैल्यू के, यहाँ पे हमारे पास सेम है तो हम ये माइनस लगाएंगे 14/6 है। इसको हम 2 के टेबल पर कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 6 2 7 14, हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, एक ये 0 आया, दूसरी साइड पर हमारे पास क्या आया माइनस 7/3, हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया है 0 - 7/3। नेक्स्ट पार्ट जो है हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।